के इस अत्यंत सामयिक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री त्रिखा जी, प्रमुख वक्ता सांसद माननीय बलबीर पुंज जी, विषय के प्रवर्तनकर्ता और विद्या भारती के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा जी, और आज के इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति श्री लक्ष्मी नारायण बालाजी, सभागार में समुपस्थित देवियों, सज्जनों, नवयुवक मित्रों, छायाकार और पत्रकार दोस्तों, अंतिम वक्ता के लिए बड़ी समस्या होती है, कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। शुरू बालाजी ने किया, विस्तार शर्मा जी ने किया और समापन बलबीर पुंज जी ने किया। तो उसको खोदी और मुझे बुलाया गया था पुस्तक का विमोचन करने के लिए, वो मैंने कर दिया। अब पुस्तक विमोचन के बाद अब मुझे कुछ बोलना भी है, ये मैं समझ नहीं पाया था उस समय। सामान्य तौर पर जब पुस्तक का विमोचन होता है तो पुस्तक का विमोचन हुआ और कुछ पुस्तक के संबंध में, कुछ लेखक के संबंध में, कुछ प्रकाशक के संबंध में चर्चा हुई और कार्यक्रम समाप्त। लेकिन यहाँ तो पुस्तक का विमोचन तो बहुत थोड़ा है, विषय का विस्तार, विषय की गंभीरता और विषय के संबंध में चर्चा, ये बहुत व्यापक है। बहुत पहले हमारे एक मित्र थे जो इलाहाबाद में पत्रिका निकलता था, अखबार निकलता था, अमृत बाजार पत्रिका। अब वो नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका कहलाता है, पर पहले उसका नाम अमृत बाजार पत्रिका था। उसके सह संपादक थे, उनके लड़के ने इम्तहान दिया विश्वविद्यालय में इलाहाबाद, और भारत में शिक्षा के बारे में एक निबंध अंग्रेजी के पर्चे में उनसे कहा गया। बीए में पढ़ता था कि राइट एन एसे ऑन द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो उसने एक लाइन लिखी, दैट द यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन इंडिया लाइज इन इट्स टोटल फ्यूटिलिटी। और पर्चा छोड़ के चला आया। घर में आके उसने अपने पिताजी से कहा, वो जल्दी आ गया कि बोले कर आया तो वहाँ जी क्या था, बोले ऐसे था। अरे बोले इतनी जल्दी आ गए, बोले हाँ ऐसे क्या था साहब, एजुकेशन सिस्टम पे था। क्या लिखा तुमने इतनी जल्दी आ गए, बोले क्या लिखना था, एक लाइन काफ़ी थी, दैट द ओनली यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया लाइज इन इट्स टोटल फ्यूटिलिटी। इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इसका कोई सार्थक नहीं है, ये निरर्थक है। तो इस शिक्षा का अर्थ केवल इसकी निरर्थकता में है, ऐसा लिख के वो चले आए। अब जब उनकी कॉपी परीक्षक के पास गई तो उन्होंने बुलाया, कहा कि बच्चे तुमने ऐसा क्यों लिखा, कह लो आप ही बता दीजिए मैं और क्या लिखूं। वो शिक्षक गंभीरता से सोचते रहे कि आप बात इसने जो मेरे से कही है कि अब मैं क्या बताऊं इसे, क्या लिखे, क्या कहे। तो उन्होंने उनके पिताजी को कहा कि भाई आपका लड़का बड़ा चिंतनशील है, इसने बात ऐसी लिख दी, मेरे सामने धर्म संकट ये है कि मैं इसको नंबर कैसे दूं, क्योंकि
तो उस लड़के ने कहा कि साहब आप देख लीजिए, शिक्षा की यूटिलिटी ये है कि मुझे नंबर भी नहीं दिला सकती तो बाकी क्या करेगा। मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैंने कहा भाई तुझे सूझा क्या? कहने के साहब मैं रोज देखता हूँ, ये आज की बात नहीं, आज तो हालत बहुत ख़राब है, यही ये बात है करीब 40-45 साल पुरानी। कह साहब क्या करें, जितने मेरे आसपास के लोग हैं उनको मैं देखता हूँ सुनता हूँ तो सभी परेशान हैं और सबके सब ये जानते हैं कि इसके बाद पढ़ने के बाद अगर कहीं सरकारी दफ्तर में या कंपटीशन में आ गए तो आ गए, बाकी कोई हमारे सामने दृश्य नहीं है। तब मैंने सोचा कि भाई ये जो परिस्थिति है ये बड़ी गंभीर है। अगर एक बीए के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाला बालक और उसके दिमाग में ये बात आ गई कि इस पढ़ाई से कोई, तो मैंने फिर उसको पूछा बोला कि भाई फिर तुम पढ़ क्यों रहे हो? बोले साहब इसलिए कोई डिग्री मिल जाएगी तो कभी काम आएगी, बाकी तो उससे कुछ मुझे मिलने वाला है नहीं। बाद में उस बच्चे ने, उसकी स्वाभाविक रुचि चित्रकला की तरफ थी, अच्छे चित्र बनाने शुरू किए, बहुत अच्छा चित्रकार बना। अब इसमें से दो बातें निकल आई कि जो बच्चे की स्वाभाविक रुचि थी, जो उसकी प्रतिभा थी, उसका कहीं विकास होने का बी एक तक पहुंच जाने पर भी कोई रास्ता नहीं था, उसे पता वो जा नहीं सकता था। बी ए पढ़ लेना है, कुछ कर लेना है, कुछ एक डिग्री रहेगी, एक एक परिपाटी है, लोग करते हैं ये कर लो, मगर उसमें कुछ होना जाना नहीं है। इसमें से एक और बात निकली कि वो शिक्षा को, उन बच्चों के दिमाग में ये था कि ये केवल नौकरी ढूंढने के लिए एक प्रमाण पत्र है। और तब उन दोनों एक बड़ी बहस थी, एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड, मुझे पता नहीं आप को याद है या नहीं, 1960 के आसपास बड़ी बहस ये थी कि एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड। मुझे ऐसे ही एक गोष्ठी में उन दोनों बोलने के लिए बुलाया गया, तो मैंने कहा भाई ये बात मैं नहीं समझ पाया कि एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड, इसका मतलब है जॉब वहाँ है, एजुकेशन यहाँ है, इन दोनों का तालमेल करना है? नहीं, एजुकेशन शुड बी जॉब क्रिएटिव। शिक्षित व्यक्ति को नौकरी ढूंढने की जरूरत पड़े, काम ढूंढने के लिए जाना पड़े, शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षित व्यक्ति तो क्रिएटिव होना चाहिए, उसके अंदर सृजनात्मक प्रतिभा होनी चाहिए और उसे स्वयं काम के साथ साथ औरों को काम दिलाने के लायक पात्र बनना चाहिए, इसलिए एजुकेशन शुड बी जॉब क्रिएटिव नॉट जॉब सर्चिंग। नौकरी ढूंढने के लिए मैं शिक्षित हो रहा हूँ, कहीं नौकर बनूंगा, कोई दूसरा मुझे काम देगा तो मैं परतंत्र, दूसरे के ऊपर निर्भर, मैं एक स्वतंत्र स्वनिर्भर स्वावलंबी व्यक्ति और समाज का निर्माण कैसे करूँगा जब मुझे ही स्वयं दूसरे के लिए ज़रूरत है कि मैंने पास कर लिया, अब किसकी शरण में जाऊँ? तो व्यक्ति के नाते, परिवार के नाते, समाज के नाते फिर हम किसी न किसी की शरण में जाने की चेष्टा करेंगे और एक स्वतंत्र स्वावलंबी समाज के स्थान पर एक परावलंबी समाज, एक स्वाभिमानी सृजनात्मक प्रतिभा का प्रतीक व्यक्ति के बजाय हम उसे दूसरों की कृपा के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति बनाएंगे। ये लक्षण दिखाई दे रहे थे तब से, आज ये लक्षण और अधिक गहरी मात्रा में हमारे सामने है। शर्मा जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि शिक्षा में हमें अपनी पहचान नहीं मिलती, ये बात सच। शिक्षा अगर ये बताए कि इस देश में आर्य बाहर से आए,
ये हमारा देश नहीं है, हम बाहर से आए, भले ही 10,000 साल पहले आए हों, 6,000 साल पहले आए हों, मगर है प्रवासी। तो उसके बाद शक और हून और तुर्क और मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, तो कौन सी स्वाधीनता की लड़ाई है भाई? सभी तो आए, धर्मशाला है, सभा है, बस गए, जितना जिसके कब्जे में आया वो उसने कब्जा कर लिया। आप पहले आए थे, आपको लगा कि आपका कब्जा दूसरा छीन रहा है, आप उससे लड़ रहे हैं, इसलिए कोई स्वाधीनता का संग्राम वंग्राम नहीं है, ये तो राजवाड़ों की लड़ाई है, पहले मैं था, ये मेरी हुकूमत थी, ये तूने क्यों छीन ली, सारा इतिहास। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आज से 11-12 साल पहले एक बात कही थी, शायद जब वो अपने विश्व भारती में भाषण कर रहे थे, 3 भाषण हैं उनके, जिसमें उन्होंने कहा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, क्या पढ़ा रहे हैं, हम ये पढ़ा रहे हैं कि हम आए थे यहाँ बाहर से, फिर कुछ और आए, यहाँ उन्होंने उपद्रव किया, कुछ तोड़फोड़ की, कुछ हमें भगा दिया, हमारी स्त्रियों को लूटा, हम पे राज किया, फिर वो चले गए, कोई दूसरा आया, उसने हम पे हुकूमत की, पढ़ा दिया गया। अब आप पूछे, बच्चे से पूछे कि भाई तेरा देश क्या है, तेरा इतिहास क्या है, तो यही बताता है। बोले अगर आप इंग्लैंड के बच्चे से पूछो तो वो अपना कोई गौरवशाली अध्याय बताएगा कि मेरे देश में ऐसा हुआ था, उसने यहाँ विजय प्राप्त की थी, उसने ये किया था, उसने वो किया। बोले क्या इतिहास पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? ये सवाल उन्होंने उस समय खड़ा किया और उनका कि ये बिल्कुल गलत है, और कैसे पढ़ा रहे हैं? अभी जो भवन का सवाल आपने उठाया, उनका मैं ये बड़े भवन बनाने की ज़रूरत क्या है, हमें अपनी भूमि से, अपनी प्रकृति से, अपनी परंपरा से जो कुछ मिल सकता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत इसके जो विद्यालय आज हमारे यहाँ खोले जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक अलग पद्धति का संस्थान बनाया था, जिसमें भूमि के साथ, प्रकृति के साथ, परंपरा के साथ लोगों का अध्ययन हो, चलें, करें, और प्रतिभा का विकास। कंपल्शन नहीं है, आप अनिवार्यता नहीं। हमारे देश की शिक्षा पद्धति में जितने भी प्राचीन से प्राचीन तक लेकर और तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला तक देखें, कंपल्शन नहीं था, ज़बरदस्ती नहीं थी। आपको जो विषय पढ़ना है उसके यदि विशेषज्ञ ने आपको इजाज़त दे दी तो आप उसके यहाँ पढ़िए, आप जाइए, देखिए। हम विश्वविद्यालय आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप आएँ, आप कहाँ प्रवेश चाहते हैं, हम यहाँ प्रवेश चाहते हैं। देखो जो उसका द्वारपाल है, तक्षशिला के प्रवेश की पद्धति ये थी कि हर कक्षा का एक द्वारपाल है, जिसे मॉनिटर आप कहें, जो भी कुछ कहें, वो उसकी कक्षा के स्तर को का प्रतीक था। अगर आप उस स्तर तक पहुंच गए तो आप उस कक्षा में आ जाएंगे, नहीं पहुंचे तो जहां आएंगे वहां चले जाएंगे। माने ये नहीं है कि अब आपका इम्तहान ऐसे हो रहा है और फिर साल भर बाद रिजल्ट आ रहा है और उसमें हेराबर, खुली खुली बात है, मैं आ गया हूँ, हाँ बताओ भाई क्या चाहते हो, क्या करते हैं, हाँ ठीक हो जाओ, बढ़ो इसमें। और कभी कभी ये भी होता था कि ये जो पढ़ने आया था उसको उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छे हो, तुम अब पढ़ाना भी शुरू कर दो, पढ़ाना भी शुरू कर दो, यहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पढ़ाओ, क्या दिक्कत है। ये हमारे जो प्रयोग थे शिक्षा के, जिसमें ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, ये स्ट्रेट जैकेट कंपार्टमेंट्स, ये एक पूरी आपके सामने छलनी के छेद हैं, उसमें से आपको निकलना है, खींचे जाओ, नहीं आप जाओ, आप हो, आप तो एक स्वतंत्र अस्तित्व वाले व्यक्ति हो, आगे यहाँ तक ठीक है। तो बुनियादी बात यह है कि पहले हम ये समझें कि शिक्षा का मतलब क्या है। शिक्षा इंस्ट्रक्शन नहीं है, आज जिसे हम शिक्षा कहते हैं वो इंस्ट्रक्शन है, वो शिक्षा नहीं है। इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आप कुछ सूचनाएं उसको देते हैं कि भाई देख ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर,
और फिर उससे पूछते हैं कि तूने ऐसा कर लिया. इट्स एन इंस्ट्रक्शन, इट इज नॉट शिक्षण नहीं है ये, ये इंस्ट्रक्शन है, सूचनाओं का प्रक्षेपण है. तो ये सूचना दी आज तुझे इतिहास में बता रहे हैं कि सन 1600 में ये लड़ाई हुई थी, 1500 में ये लड़ाई हुई थी, ये हुई थी, हो गई बजा. क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी, उसके ऐतिहासिक कारण क्या थे, ना शिक्षक को जानने की जरूरत है, ना भाई देख कितने हैं. इस लड़ाई पानीपत की लड़ाई हो गया, प्लासी की लड़ाई हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा बता देंगे कि इसमें ये क्लाइव था, ये था, वहाँ हुई थी, इस मैदान में हुई थी. तो इतिहास एक आपको तारीखों की का कैलेंडर है, वो याद करना है. राजाओं के नाम मैं जब पढ़ता था तो हमें ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़नी पड़ती थी. अब उसमें डेनमार्क के राजा से उसकी क्या लड़ाई हुई और उसकी क्या शादी हुई, इससे हिंदुस्तान का क्या मतलब था? आपने पता नहीं, आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी? बताया जा रहा है साहब कि ये नेपोलियन बोनापार्ट ने ये किया, उस मैदान में ये हुआ, इतने मारे गए. अच्छा भैया मारे गए होंगे, कब्र में दफनाए गए होंगे, अब बता हमसे क्या मतलब है उसका, हम क्या कह रहे हैं उसका. आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, इसका कोई कोई तारतम्य ही नहीं. फिर आप कह रहे हैं तू एजुकेटेड हो गया, तू बीए पास हो गया, तू एमए पास हो गया, तू पीएचडी हो गया. अब पीएचडी की सुनिए, जो उच्च शिक्षा की उच्चतम श्रेणी है और उसमें इंटरनेट का जो योगदान है वो एक बड़ी भारी चुनौती है शिक्षा के सामने. सारे इंटरनेट में जितने शोध पत्र औरों ने लिखे हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको काटिए चिपकाइए, और अगर पता लग जाए एग्जामिनर कौन है उसके पास 10-20 हज़ार रुपया लेके पहुंच जाइए. उन्होंने कहा बहुत अच्छे, तू भी खुश मैं भी खुश. बहुत कम मैंने बहुत अच्छा मैं डॉक्टर नहीं. आप तो लिखने का वैसे ही ले लेते हैं, तो डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है. तो और अगर आपको इंटरनेट डाउनलोड करने की भी जहमत नहीं उठानी है तो कुछ किसी को लगा लीजिए, वो सब डाउनलोड कर देगा, टाइप कर देगा, पेस्ट कर देगा, आपके नाम से सबमिट हो जाएगी. क्या करेंगे उसे, कोई मतलब नहीं है. ये जो विश्वविद्यालय में रोज ये हो रहा है ना कि इतने साल का कोर्स और ये और वो झगड़ा सब बेकार, इट इज ऑल यूजलेस, उसका कोई मतलब ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं. मैं जब शिक्षा मंत्री था तो ये अध्यापकों के वेतन बढ़ाने का सवाल उठा. जिस दिन अनाउंस किया कि भाई हाँ ये आज वेतनों के नए ग्रेड हो गए, तो जो वहाँ शिक्षा शिक्षकों के जो बहुत से नेता थे वो भी खड़े थे. तो एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने उनसे कहा सर नमस्कार, सर आपने मुझे पहचाना? बोले नहीं. बोले सर मैं आपका स्टूडेंट था, आप मुझे पहचानेंगे कैसे, आप कभी क्लास में तो आए नहीं थे. सीधे ही कहा उसने. फिर वहाँ एक अध्यापिका मिली, उन्होंने कहा मैंने 10 वर्ष से कोई क्लास नहीं लिया है और आगे भी नहीं लूँगी और देखते हैं मुझे कौन क्या करता है. मतलब क्या है? इसलिए वो जो उसने 50 साल पहले लिखा था, 45 साल पहले, that the only utility of education in India lies in its total futility. इसको बदलना पड़ेगा, इसका रूपांतरण करना पड़ेगा, पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा. जब ये IIT में लोग किसी का प्रवेश हो जाता है ना, तो उसका अनुभव हमारा ये था कि जिस दिन लड़के का प्रवेश IIT में हुआ उस दिन उसका शरीर यहाँ रहता था और आत्मा अमेरिका पहुँच जाती थी, और फिर ये शरीर आत्मा की तलाश में बिल्कुल सब तपस्या लीन हो जाता था कि कब इस बंधन से छुटकारा पाऊँ और आत्मा के पास पहुँच जाऊँ. यहाँ से भगे अमेरिका, भगे जर्मनी, भगे इंग्लैंड,
क्या बात है साहब? बोले आत्मा का साक्षात्कार करना है, शरीर यहाँ है, आत्मदर्शन करना है। बहुत डंडे चलाए, मैंने कहा नहीं, तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। अब कुछ कुछ IITs में 25% 30% यहाँ रहने लगे हैं, क्यों नहीं भैया? मैंने कहा नाम इसका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब काम कर रहे हो आप किसके लिए? अमेरिका, इंग्लैंड? आप हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आप कौन सा मैनेजमेंट कर रहे हो यहाँ? मैंने कहा ये इतना हमारे रेलवे स्टेशंस पर इतना हंगामा है, आप मैनेज करोगे? आप क्यों नहीं पढ़ाते मैनेजमेंट ऑफ रेलवे? स्पोर्ट्स में इतना हंगामा है, आप क्यों नहीं मैनेजमेंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्यों नहीं पढ़ाते? एक विद्यालय ने मेरी बात मान ली कलकत्ते ने, और उसने कहा साहब हमें पहले ही साल 300 बच्चे मिल गए और हमारी तो आमदनी बिल्कुल बेहिसाब हो गई, क्योंकि कोचेज की ज़रूरत है, मैनेजर्स की ज़रूरत है। मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स कुछ नहीं, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कुछ नहीं, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन वाटर सिस्टम कुछ नहीं, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कुछ नहीं, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कुछ नहीं। रजिस्ट्रार नहीं मिलता आपको, आप बता रहे थे ना कि वो नहीं मिलता है प्लम्बर, या रजिस्ट्रार नहीं मिलता। हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स को मैनेज करने वाला डॉक्टर नहीं मिलता, मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने इस किसी भी स्तर पर शिक्षा को भारत की आवश्यकताओं से, परंपराओं से नहीं जोड़ा। बुनियादी बात ये, पहले आप इसको यहां से जोड़िए। अगर इससे यहां से नहीं जोड़ेंगे तो आप कितनी ऊंची बात कर लीजिए, मतलब क्या है उसका? आप जरा किसी से भारत का नक्शा बनवा लो। हम लोग जब पढ़ते थे तो कक्षा में नक्शा बनवाया जाता था, बनाओ। आज बनी चीज यह है कि वो पहले अपनी भूमि से जुड़े, फिर अपने समाज से जुड़े, अपनी परिवेश से जुड़े, सृष्टि से जुड़े, परमेष्टि से जुड़े, व्यष्टि से जुड़े, समष्टि से जुड़े, सृष्टि से जुड़े और परमेष्टि से जुड़े। आत्मबोध कराए ना पहले, तो शिक्षा बता रहे थे कि अपने को तो पहचानो भाई, मैं हूं कौन। वो मदालसा के लिए कहते थे ना, शुद्धोसी बुद्धोसी अलख निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितो। सबके सब उसने आध्यात्मिक बना के भेज दिए, तो महाराजा ने कहा देवी एक तो छोड़ मेरे लिए, तूने तो सभी उधर भेज दिए। माने आत्मज्ञान, मैं कौन हूं, मैं चैतन्य हूं या मैं मृत हूं, क्या हूं मैं? Who am I? ज्ञान अगर है, देना है शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना है, तो ये बताना है कि ये बोतल है, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन है, सूचना है। मैं इस बात को मानता था और आज भी मानता हूँ कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्या, बल्कि माध्यमिक कक्षाओं तक के लिए बहुत बड़े भवन, पक्के भवन और इस तरह के भवन, केवल पुस्तकालय और प्रयोगशाला को छोड़ के जिसमें ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जो वर्षा से, धूप से, उससे नष्ट हो सकती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी बिल्डिंग, कोई ज़रूरत नहीं। बढ़िया बरगद के पेड़ के नीचे भी पढ़ा जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं जा रहा था वहाँ चुनाव के दौरान उत्तराखंड में, पुरानी बात है, सड़क के किनारे एक विद्यालय धूप में बच्चों को पढ़ा लेते, तो वो वहाँ से उन्होंने देखा और वो बड़े ज़ोर से बोले आइए 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 आइए। मैं क्या है, बोले साहब यहाँ हमारा स्कूल चल रहा है, धूप में बहुत अच्छा लगता है, यहाँ जाड़ों के दिन थे। मैंने कहा आप भी कुछ पढ़ाएंगे बच्चों को? हमने कहा पढ़ा देते हैं भाई, कुछ पढ़ा देते हैं। तो ज्योमेट्री पढ़ा रहा था मैंने उसको, ज्योमेट्री की थ्योरम पढ़ा दी। 4 साल बाद वो बच्चा इलाहाबाद पढ़ने के लिए आया, इंटरमीडिएट करके BSc में, ढूंढता ढूंढता मेरे पास आया। कहने का मैं वो लड़का हूँ जिसको आपने बुक पढ़ाया था उस क्लास में, क्या करने आया? बोले जी मैं फर्स्ट क्लास आ गया हूँ, मैं यहाँ प्रवेश लेने के लिए आया हूँ। क्यों यहाँ का तुझे सुझा? बोले जी आपने जो पढ़ा दिया था उससे मुझे लगा इलाहाबाद चलना चाहिए।
मैं एक दिन यूनिवर्सिटी से जा रहा था, एक लड़का आया, कहने साहब मुझे एक बात बताइए, हमने क्या बोली ब्लैक होल क्या होता है उस जमाने में, ब्लैक एट्थ क्लास का लड़का था, पढ़ क्या है। मैंने कहा तुम आओ मेरे साथ में बता। कहने नहीं मुझे अकेले नहीं, मेरे क्लास में बहस हो रही है। तो वो बुला के ले गए मुझे प्रधानाचार्य के साथ, मैंने ब्लैक होल उनको समझा दिया। वो लड़का आज एस्ट्रोफिजिक्स की लैब में बहुत ऊंचे स्तर का वैज्ञानिक कार्य कर रहा है, क्योंकि आपने उसको रास्ता किधर जा खोल दिया। मैंने कहा तुझे जो पढ़ना है ये मेरी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है, इसमें आके बैठ के पढ़ लिया। अब वो अगर आठवें नवें दर्जे के बच्चे को मैं यहाँ आउट ऑफ माउंट कर लूँ, तो सवाल ये है कि आप शिक्षा को, तू अगर यहाँ है तो है, नहीं है उसको देखिए, उसको उसकी प्रतिभा को पहचानिए और उसे आगे। एक घटना जब मैंने अध्यापन शुरू किया था उस समय मैंने पढ़ी, घटना तो आज़ादी के पहले की है मगर पढ़ी तब थी और वो मेरे अध्यापन का मूल मंत्र बनी। उस जमाने में विद्यालयों में इंस्पेक्टर आता था निरीक्षक, और खूब जोर से निरीक्षण होता था, अच्छी तरह से होता था। विद्यालय भी कम थे और निरीक्षक भी कर्तव्य बोध से प्रेरित थे। उस विद्यालय में इंस्पेक्टर आए, देखा विद्यालय बहुत अच्छा है, सब कुछ है, चमकदार है, साफ सुथरा है, बच्चे आ गए प्रार्थना के लिए खड़े हो गए, अभी बहुत अच्छे लाइन में खड़े हैं, ठीक ठाक है, प्रार्थना हो गई। तो आजकल तो सेकुलरिज्म ने प्रार्थना बंद करा दी, तो पहले होती थी। तो उसके बाद हेडमास्टर ने, प्रार्थना समाप्त हो गई तो हेडमास्टर खड़े हुए, उसने अपना हैट उतारा, सिर झुकाया और कहा बच्चों तुम्हें तुम्हारे हेडमास्टर का प्रणाम। अब तो इंस्पेक्टर साहब को तो जबरदस्त गुस्सा आ गया कि ये क्या कर रहा है। लड़के जब क्लास में चले गए तो उसने कहा ये क्या बदतमीजी है भाई, है तुम इंडिसिप्लिन कर रहे हो, ये लड़का कल सड़क पे तुमसे कहेगा कि हेडमास्टर साहब स्कूल में तो आपने प्रणाम किया था, यहाँ सड़क पे भी करो, अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करेगा, कहेगा हेडमास्टर आपको प्रणाम करता है आप करो। हेडमास्टर सुनता रहा, जब इंस्पेक्टर साहब ने अपना सारा गुस्सा निकाल लिया तो उसने कहा कि देखिए इंस्पेक्टर साहब, उस जमाने में 55 साल में रिटायर हुआ करते थे लोग, बोले आप 50-52 साल के हो गए हैं, आप इंस्पेक्टर हैं, इसके आगे बहुत होंगे तो असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर हो जाएंगे, फिर बहुत प्रमोशन मिलेगी तो डिप्टी डायरेक्टर हो जाएंगे, इसके आगे आपकी गति नहीं है। बोले मैं भी 45-46 साल का तो हूँ, मैं भी बहुत बनूंगा तो डिप्टी डायरेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एडिशनल डायरेक्टर, मेरी भी गति वहाँ से थी। बोले जो बच्चे हैं इनमें से पता नहीं कौन महान सेनापति बन जाए, कौन महान वैज्ञानिक बन जाए, कौन बड़ा कवि बन जाए, कौन बड़ा चित्रकार बन जाए, कौन बड़ा व्यापारी बन जाए, कौन जानता है। तो मैं इन बच्चों की जो हमारे देश की प्रतिभा है उस प्रतिभा को प्रणाम करता हूँ। तो शिक्षा और शिक्षक का ये रिश्ता होना जरूरी है कि मैं एक शिक्षक हूं तो मेरे सामने जो प्रतिभाएं बैठी हैं इन प्रतिभाओं को मैंने विकसित करना, इन्हें योग्य निर्देशन करना है और इनके अंदर का जो गुणों का पुंज है उसको प्रकाशित करना है। तो शिक्षा में जब तक आप ये परिवर्तन नहीं लाएंगे, बाकी ग्लोबलाइजेशन ने और टेक्नोलॉजी ने जो किया है वो ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन का सर्वनाश किया है, शिक्षा का सर्वनाश तो पहले ही हो गया क्योंकि आपने उसको जोड़ा नहीं है। और जब जोड़ने का प्रयास हमने किया तो कहा कि आप भगवाकरण कर रहे हो, भगवाकरण कर रहे हो, आप इतिहास क्यों ठीक कर रहे हो, आप संस्कृत क्यों लाना चाहते हो। संस्कृत अगर इस देश में शुरू में ही यहाँ की राष्ट्रभाषा मान ली गई होती तो इस देश की बहुत बड़ी
बीमारियों से हमको मुक्ति मिली है। और आज भी मेरी ये मान्यता है कि इस देश के प्रत्येक छात्र को संस्कृत पढ़ना ही चाहिए, उसके बिना आप न अपने को समझ सकते हैं न देश को समझ सकते हैं। आपकी हमारी मातृभाषा हमें अपने परिवेश से जोड़ती है, इसमें कोई शक नहीं। इस देश में बहुत भाषाएं हैं, सब ठीक है। हिंदी हमें देश भर से जोड़ती है, अंग्रेजी को कहा जाता है कि वो विश्व से जोड़ती है, मगर संस्कृत ब्रह्मांड से जोड़ती है। वो आत्मा का परमात्मा से संवाद है, वो क्षुद्रता का विशालता में विलीनीकरण है। कोई वैज्ञानिक इस देश का बिना संस्कृत के आगे जा नहीं सकता, क्योंकि बिना संस्कृत के उसे अपनी प्राचीन वैज्ञानिक धरोहर का पता नहीं। कोई चिकित्सक नहीं जा सकता, कोई संगीतकार नहीं जा सकता, कोई कृषक नहीं जा सकता। आज दुनिया में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, होड़ लगी हुई है वहां संस्कृत पढ़ाने को, बेवकूफ नहीं है लोग। और अगर आपको कंप्यूटर को और इंटरनेट को भी साधना है तो उसका भी सूत्र संस्कृत में ही छिपा है। और जो कह रहे थे ना सूत्र खुल गया, खुला कि नहीं, वो सूत्र खोलने की जो कुंजी है संस्कृत है। इसलिए बहुत बहुत चुनौतियां हैं। हम अपने आप को भूले हुए हैं, अपनी पद्धति को भूले हुए हैं, अपने इतिहास को भूले हुए हैं, अपने अपनी प्रतिभा को भूले हुए हैं। एक बात सुना के समाप्त करता हूँ, कैसे होता है शिक्षा का योगदान। जब रूस ने स्पुटनिक छोड़ा तो वो अमेरिका के लिए चुनौती थी, कुत्ता भेज दिया ना उसने। जिस दिन ये घटना हुई, अमेरिका के एक विद्यालय जिसकी घटना मैं जानता हूँ क्योंकि उसके छात्र ने लिखा है उसको, उसके प्रिंसिपल ने सब छात्रों को बुलाया और कहा बच्चों साइंस और गणित ठीक से पढ़ो। बोले क्यों? बोले देखते नहीं, रूस ने स्पुटनिक छोड़ दिया कुत्ता भेद के साथ, तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है इससे? तो वो लड़का कहता है कि हमारे विद्यालय के लड़कों ने कहा कि हमें मानव उससे पहले पहुंचा के दिखाना है। बात खत्म हो गई, अमेरिका ने आदमी पहले भेज के दिखा दिया। ये होता है प्रधानाचार्य और शिक्षकों के बीच का संबंध, ये होता है अपने देश के संबंध में, अपने देश के बारे में एक स्वाभिमान शिक्षक और छात्रों के बीच में कैसे पैदा होता है। ये भावना कहाँ से आई उसको? कोई पाठ्यक्रम में तो नहीं लिखी थी, लेकिन वो जो शिक्षक था और जो शिक्षा का कंटेंट था वहाँ, वो लोगों को अपने देश से, अपने स्वाभिमान से, अपनी प्रतिष्ठा से जोड़े हुए था। ये कैसे हो सकता है कि सैटेलाइट हम पहले छोड़े और कुत्ता रूस पहले छोड़े? तो आदमी हम पहले छोड़ के दिखाएंगे। इस भावना को अगर हमने शिक्षा के अंदर ठीक ढंग से अनुसूत किया तभी भारत जगतगुरु बन सकता है, वरना आप देखते रह जाएंगे और लोग मंगल के ऊपर भी जा बसेंगे और पता नहीं किस किस ग्रह पे अपना डेरा बसा लेंगे और हम उनकी आराधना करते रहेंगे कि आप बहुत आगे चलिए, कुछ किया जाए और देश को आगे बढ़ाया जाए और इन चुनौतियों का सामना कोई कठिन काम नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत कर ली जाए सब ठीक हो जाए।